आज बहुत आनंद की बात है कि हमारी बहन गीता जी और हमारी दूसरी बहन पिंकी जी के लिए पूरे चांदनी चौक के इलाके में इतना बड़ा जन समूह इनके समर्थन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को संदेशा देने के लिए कि दिल्ली उनके साथ खड़ा है, उनके विकास के कार्यों का समर्थन करता है और पूरी तरीके से आगे आने वाली 4 तारीख को कमल के बटन को दबाकर दिल्ली की जनता ने तय कर लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को फिर एक बार दिल्ली के नगर निगम में बहुमत देकर जनता की सेवा करने का मौका देना है। आम आदमी पार्टी ने जिस प्रकार से भ्रष्टाचार को चरम सीमा पे लेके गए, जिस प्रकार से हजारों करोड़ रुपए के अलग अलग घोटाले सामने आए, चाहे वो लिकर माफिया हो, चाहे वो वक्फ बोर्ड का स्कैम हो, चाहे वो जल बोर्ड का स्कैम हो, एक के बाद एक यहाँ तक के स्कूल तक में उन्होंने बख्शा नहीं लोगों को। 1300 करोड़ का स्कूल के अंदर स्कैम करके एक बहुत ही बुरा उन्होंने अपनी नीयत और अपना काम दिल्ली में दिखाया है। झूठे आश्वासन और प्रचार प्रसार के अलावा आम आदमी पार्टी कुछ नहीं कर रही है। दिल्ली के पैसे को और बड़ा बजट है, 70,000 करोड़ का बजट है, उससे इतने सारे यहाँ पे विकास के कार्य हो सकते थे। विकास करने के बदले दिल्ली सरकार ने सिर्फ भ्रष्टाचार और अपनी नाकामी सामने दिखाई, बड़े बड़े इश्तिहार, झूठे दावे और एक प्रकार से झूठे आश्वासन के अलावा दिल्ली के जनता को कुछ नहीं मिला। ना कोई बड़ा मेडिकल कॉलेज, ना कोई बड़ा अस्पताल, ना कोई बड़ी यूनिवर्सिटी, कोई नई व्यवस्थाएं नहीं, कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं। मेरा मानना है एक विफल सरकार, एक बेईमान और भ्रष्ट मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और एक पूरी तरीके से चरमराती हुई राज्य सरकार, जनता ने अब समझ लिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही इस देश का उद्धार होगा, दिल्ली का उद्धार होगा, दिल्ली वासियों का भविष्य उज्जवल होगा और आगे आने वाले दिनों में फिर एक बार हम नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी को सेवा करने का मौका देंगे और फिर आगे चल के लोकसभा और राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से पुनः एक बार जनता का आशीर्वाद प्राप्त करेगी।